करीम भाई, एक बात और है कि आप जो है जो राशन बांट रहे हैं, ये चेहरे पहचान कर दे रहे हैं क्या कि कौन से अपने हैं कौन से पराए हैं? मैं क्यों जी किसी का चेहरा पहचानने जाऊं? फिरोज भाई, पिछले 1.5 साल में शहर में जो जीपी के काम हुए, मैं समझता हूँ कि लगभग काफ़ी नगर सेवकों के इलाके में काम हुआ है और अच्छा खासा पैसा कमाया इन लोगों ने। कहीं 1 लाख रुपये स्लैब पे लिया, कहीं 75,000 रुपये स्लैब पे लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है उन नगर सेवकों से, उन जनप्रतिनिधियों से, जिन लोगों ने 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये स्लैब के पीछे और अनलीगल काम में कमाया आधा पैसा, प्लीज़ उस जनता को खिला दे, क्योंकि जनता भूखी और परेशान है। बार बार सवाल कर रहे करीम खान, मतलब इस लॉकडाउन के बीच कहां से पैसे ला रहे? बड़े पैसा वाला मेरे साथ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज पूरा 1 महीना जो है बीत चुका है लॉकडाउन का और अभी जो है 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और उसके बाद सरकारें तय करेंगी कि और कितने दिन रहना है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर जो है शासन प्रशासन का भी काफ़ी सख्ती में है। और इस बीच हम इस वक्त जो है मुमरा से सटे जो है भोलेनाथ नगर शिवली नगर में हूँ, जहाँ पर एक जो है उत्तर भारतीय महासंघ के जो है करीम खान जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और आप लोगों से भी मिलाएंगे कि आखिर जो है एक शख्स जो है उत्तर भारतीयों के लिए किस तरह से आगे आए हैं, पिछले 1 महीने से किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे ही। और ये हमारा शो है चलते चलते में, मैं उनसे ख़ास बात करूंगा कि आखिर जिस इलाके में ये करीम खान रहते हैं उसी इलाके में 3 नगर सेवक का पैनल है और दूसरी तरफ जो है रशीद कंपाउंड की तरफ जो है वहाँ से 4 नगर सेवकों की पैनल है। लेकिन ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुनकर दी है, उन लोग जो है आगे आने में असमर्थ हैं या उनको क्या तकलीफ़ है या हो सकता है उन्हें भी खौफ सता रहा है इस जो है कोरोना वायरस की। लेकिन ऐसे हालात में आखिर आगे आएगा कौन? जो आज हमारे साथ मौजूद हैं करीम खान साहब, हम उनसे बात कर रहे हैं। करीम खान साहब, सबसे पहले तो चलते चलते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमज़ान मुबारक सभी को। इस तो लॉकडाउन के चलते आज देश बहुत ज़्यादा परेशान है फिरोज भाई, सारी जनता परेशान है और बड़ा ही नहायत एक अफसोस ये है फिरोज भाई। मैं बोलना चाहूँगा, बोलना तो नहीं चाहिए था क्योंकि वक्त और हालात नहीं है ऐसी बातें बोलने की, लेकिन एक अफसोस ऐसा है कि आज जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि है, इस तरफ से 3 है उस तरफ से 4 है, यानी 7 जनप्रतिनिधि हमारे इस इलाके में आते हैं। बड़ा ही अफसोस है कि आज जनप्रतिनिधि हमारे मैदान में नहीं दिख रहे, जहाँ जनता एक तरफ बेचारी भूख और प्यास से परेशान है। मेरी इन जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के मुतबाना रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि उतरिए, इसी जनता ने आपको सीट दिया है, आप उतरिए, जनता को देखिए कि जनता प्यासी है भूखी है। अगर आप नहीं करते हैं इनका तो मैं समझता हूँ कि आप कर्जदार है जनता का, इस जो जनता ने जो आपको चुन के दिया है आप जनता के कर्जदार हैं। और नहीं तो ये दिन याद रखा जाएगा, बहुत दिन ज़्यादा नहीं बचे, दिन याद रखा जाएगा। करीम भाई, जो है जिस तरह से पिछले 1 महीने से लॉकडाउन है और ऐसे में जो है आप लोगों के बीच गए, लोगों की किस तरह से समस्या सामने आई और आपने किस तरह से लोगों की मदद की है? जी, पिछले 22 तारीख को जो पहला लॉकडाउन था फिर उसमें आप भी देख रहेंगे, पहला जिस दिन पहला कर्फ्यू लगा था मोदी जी ने, जो पहला कर्फ्यू लगाया था, हम लोगों की टीम माशाल्लाह उत्तर भारतीय संगठन की टीम पहले दिन से हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच, सुबह शाम हम लोगों ने काम किया है। जहाँ तक आप देख, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से लेकर ठाकुर पड़ा, हालांकि मेरा इलाका बहुत ज़्यादा लंबा होता है और कहीं ना कहीं मुझे अकेला भी महसूस होता है क्योंकि मुझे साथ देने वाला कोई नहीं दिखता है। इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों तक हम पहुँचे, लोगों के सुख दुख में हम पहुँचे और हमने काफ़ी हद तक हमने काम भी किया है माशाल्लाह। तो ये सब हो कैसे पा रहा है, मतलब आपसे इतना हो कैसे पा रहा है, क्योंकि इस इलाका बहुत बड़ा है, ये जो इलाका है काफ़ी गरीब तबके का इलाका है, यहाँ पर लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में जो है आप अकेले कैसे कर पा रहे हैं? ये मेरी कोई औकात और विसात नहीं है, छोटी सी एक संगठन है हमारी, कुछ संगठन का साथ है और मैं तो बोलूँगा कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, यानी ये शायद अल्लाह ने मुझे ही चुना है इस गरीबों के, मतलब गरीबों की भूख और प्यास मिटाने के लिए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, मेरी टीम बड़ी खुशनसीब है कि आज हम जनता के बीच में खड़े हैं माशाल्लाह। अभी तक ऐसे मतलब कितने लोगों को आपने राशन पहुंचाया रहेगा? और ये उत्तर भारतीय महासंघ जो है आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है और जो लोग पूरे मुमरा के लोगों को मालूम है कि उत्तर भारतीय महासंघ के जो है अध्यक्ष करीम खान साहब हैं, लेकिन इसके पीछे ये उत्तर भारतीय महासंघ बनाने के पीछे के मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इंसानियत को समझा जाए,
इंसान की मदद की जाए, परेशानों की मदद की जाए, मजदूरों की मदद की जाए। जो पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने काम किया है माशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे, कोई मकसद नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गरीब मजदूर परेशानों की मदद की जाए। और जो आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से हम लोग कंटिन्यू माशाल्लाह मैदान में है। करीम भाई, एक बात और है कि जैसा कि आप जब लोगों के पास जाते हैं तो उस दौरान लोग किस तरह से मतलब आपको अपनी कहानी, आप बीती कहानी बता रहे हैं इस वक्त? जब लोग रोज कमाते थे तब तो परेशानी थी फिरोज भाई, आज तो पिछले 1 महीने से कारोबार बंद है। और ये मेरा जो इलाका है, हमारा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग बहुत निचले स्तर के लोग है बेचारे, रोजमर्रा के मतलब रोज कमा कर खाने वाले लोग है बेचारे। अगर आप अगर बड़े इलाके में जाकर के अगर आप देखेंगे, यानी जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन के चलते मैं समझता हूँ अच्छे अच्छे लोग भी परेशान है। तो हमारा एरिया तो बेचारा बहुत पिछला इलाका है, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, रोजाना रोजमर्रा के ज़िंदगी में काम करके खाने वाले लोग हैं बेचारे, बहुत परेशान है आज हमारा इलाका, बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं, देखा गया कि बीच में आपको जो है इसके पहले 10 से 15 दिन पहले आपकी गाड़ियाँ भी रोक दिया जाता था, आप उसके बावजूद जो है आप लोगों तक पहुँच रहे थे। मतलब बीच में आपने ऐसा भी कहा कि हम राशन अब नहीं बांटेंगे अगर पुलिस हमको रोकती है, तो आप लोगों के बीच जा रहे तो आपको रोका क्यों जा रहा था? जी, वो मिस अंडरस्टैंडिंग थी, मिस गाइडिंग थी शायद, कि वो ऑफिसर थे शायद मुझे पहचानते नहीं थे या मेरी संगठन के काम को नहीं जानते थे। तो ठीक है, पुलिस का काम है, पुलिस भी अपना काम तो करेगी, क्योंकि लॉकडाउन को कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल भी, मतलब कुछ गलत तरीके से भी लोग निकलते थे घर पे, तो हो सकता है कि वो हमारे को भी उन गलतियों में शामिल कर लिया गया था। बहरहाल उस दिन चर्चा हुई, आप भी मौजूद थे, उस दिन चर्चा होने के बाद उनको समझ में आया उत्तर भारतीय संगठन काम कर रही है, और हो सकता है कि कहीं से कुछ पॉलिटिकल भी अगर हमारे सर पे चालू हो गया हो, ऐसा भी लग सकता है। तो अभी तक जो है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक कहाँ कहाँ आपके जो है ये चूल्हे जल रहे हैं, लोगों को खाना भी पकाकर दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और जो किट है वो भी बांटा जा रहा है, तो कितना बांटा गया किट आपका, और अभी आगे बांटने की किस तरह से हिम्मत है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरा रमज़ान इंशाल्लाह, जो रमज़ान की जो किट बनाई, जो भी आपने देखा, हम पूरा रमज़ान अगर अल्लाह ने चाहा, आप लोगों की दुआएं रही, तो पूरा रमज़ान हम इंशाल्लाह किट बांटेंगे। और रही खाना बनाने की बात, तो आपने अभी किचन देखा मेरा, इस तरीके से 3 किचन मेरा चल रहा है, जिस एक एक शिलपाटे पे चल रहा है, ठाकुर पाड़े में चल रहा है, और एक तो अभी आपने खुद ही देखा इधर पे, तीनों किचन आप जानते हो, एक एक किचन पे मेरा माशाल्लाह 1200-1500 आदमी का खाना एक एक किचन पे डे वन से बन रहा है। लॉकडाउन के बीच किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, और ऐसे में आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये सब पैसे कहाँ से रहे हैं आपके पास? ये मुझे भी नहीं पता, अब तक मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट अब जीरो हो चुका है, लेकिन अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से रहे, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से आप जो है लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, तो उनको तो आस लगा ही रहेगा, तो आगे कैसे कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह मेरी, मैंने पूरी हिम्मत बांधा हूँ, और साथ इंशाल्लाह अल्लाह देगा, साथ अल्लाह देगा, और हम हर घर तक पहुँचेंगे, हर भूखे और हर परेशान तक पहुँचेंगे। लेकिन करीम भाई, एक बात है कि जिस इलाके में आप रहते हैं, इसी इलाके में 3 नगर सेवक हैं, 3 नगर सेवक, वो मैं नहीं बोलूँगा कौन से पार्टी के हैं, और ठीक उसी के दूसरी तरफ रोड पर 4 नगर सेवक हैं, तो ऐसे में उनका काम क्या बनता है? क्योंकि अभी फ़िलहाल इस इलाके में करीम खान ही नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि करीम खान जो है वो लोगों तक किट पहुंचा रहे, लोगों की समस्याएं सुन रहे, तो बाकी के जो लोगों को चुन कर दिया गया है वो लोग कहाँ है? आपको कभी नज़र आए क्या वो लोग, या आपका साथ दे रहे हैं वो लोग? फिरोज भाई, पिछले 1.5 साल में शहर में जो जीपी के काम हुए, मैं समझता हूँ कि लगभग काफ़ी नगर सेवकों के इलाके में काम हुआ है, और अच्छा खासा पैसा कमाया इन लोगों ने, कहीं 1 लाख रुपये स्लैब पे लिया, कहीं 75,000 रुपये स्लैब पे लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है उन नगर सेवकों से, उन जनप्रतिनिधियों से, जिन लोगों ने 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये स्लैब के पीछे और अनलीगल काम में कमाया आधा पैसा, प्लीज़ उस जनता को खिला दे, क्योंकि जनता भूखी और परेशान है। जी मेरा साथ तो नहीं, मुझे तो साथ नहीं मिला, लेकिन कुछ हद तक शायद जनता का साथ देने की इन लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग पूरे पड़े हैं, यानी इतना जो एरिया है गरीब और मिस्किनों का जो एरिया है, ये सच्चाई है फिरोज भाई कि जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, ये 3 का पैनल है, उस तरफ में 4 नगर सेवक है, जो मैं बोल भी दूंगा कि 2 राष्ट्रवादी से और 2 MIM से, लेकिन मुझे तो ग्राउंड लेवल पर अब तक का कोई दिखा नहीं। नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि जैसा कि आप जो है मैदान में हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपके साथ हाथ में हाथ मिलाने वाले आने चाहिए थे। ठीक है, कोरोना का उन्हें डर है, तो मतलब आप जैसे लोग जाबाज जो अपनी जान को बाजी लगा रहे हैं, जान की बाजी लगाकर लोगों तक पहुँच रहे, तो आपका साथ तो देना ज़रूरी था ना। ठीक है यार, अगर इंसान साथ नहीं देता तो क्या, अल्लाह का साथ तो है, हम कोशिश पूरी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नगर सेवक या जनप्रतिनिधि साथ देगा तो ये संगठन काम करेगा, या तो ही करीम खान काम करेगा। करीम खान काम करता रहेगा,
मदद उधर से आएगी इंशाल्लाह। लोग बार बार सवाल कर रहे करीम खान मतलब इस लॉकडाउन के बीच कहाँ से पैसे ला रहे, जैसा कि हमने अभी पहले ही आपको बोला कि कहाँ से ला रहे थे, ये सब कैसे हो रहा है, क्या आपको कोई मतलब इसमें हाथ मिला रहा है आपसे, कोई बड़े पैसे वाले आपके हाथ में हाथ मिला रहे क्या? कोई बड़े पैसे वाला मेरे साथ नहीं है। यह है कि मेरी संगठन माशाल्लाह बहुत मजबूत है, उसमें इंजीनियर डॉक्टर हर किस्म के लोग हैं मेरे साथ, एक बड़ी टीम है माशाल्लाह। कुछ तो उन टीम का साथ है, कुछ उन टीम का साथ है और कुछ लोगों की दुआएं इंशाल्लाह, और अल्लाह चाहेगा तो हम लास्ट तक निपटेंगे। कि अब लॉकडाउन का एक महीना तो बीत गया, लेकिन ये रमज़ान का एक महीना बीतना जो है खैर वो भी बीत जाएगा, लेकिन इसके लिए आप किस तरह से आगे आ रहे हैं लोगों के बीच? अभी शायद आपने देखा है जो मेरी रमज़ान की किट थी, हमने रमज़ान की किट दिया है, खाना भी बन रहा है, राशनिंग भी हमारी कंटिन्यू माशाल्लाह चालू है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक यह लॉकडाउन चलता है हम इंशाल्लाह तब तक का चलेंगे, गरीब मुस्तहिक परेशान मजदूरों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने बताया कि खाना तीन जगहों पर आपका जो है मतलब किचन बन रहा है, वहाँ पे कई हज़ारों के संख्या में लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो ये मतलब कितने की मतलब जो है कितने लोगों को रोज़ राशन आप पहुँचा रहे हैं? फिलहाल राशन तो अलग है, लेकिन खाने का जो बंदोबस्त आप करते हैं सुबह शाम दोपहर की, तो वो कितने लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? खाना लगभग 4000 आदमी के आसपास हमारे यहाँ पर रोज़ बन रहा है, प्रतिदिन बन रहा है। और राशनिंग जो सच में मुस्तहिक है, हमारे पास लिस्टिंग है, हमारे पास नोंदनी है, राशनिंग भी हम कोशिश करते हैं, 25-50 लोगों को हम राशनिंग भी पहुँचाने की कोशिश पर डे करते हैं। जी मैं रेगुलर दीवा जा रहा हूँ, और मैंने कल रात में भी मैं दीवा गया था, मुझे अचानक से फ़ोन आया कि 50-70 लोग कुछ भूखे हैं, रात में 11 बजे की बात है, मैं फुज मामा ने मुझे फ़ोन किया और डॉक्टर मोरे साहब से जो DMC है उनसे बात हुई, तो पता लगा कि 50-70 लोग रात में 11 बजे, जबकि किचन हमारा बंद हो चुका था, खाना हमारा बट चुका था, लेकिन हम लोगों ने रात में 11 बजे किचन चालू किया। और शब्बीर खान SK बिल्डर शब्बीर खान के यहाँ से 70-80 पैकेट आ गया माशाल्लाह, और हम लोगों ने ले जा करके दीवा तक का पहुँचा के हम लोगों ने गरीबों को खाना खिला के वापस आए। कल रात ही की बात बता रहा हूँ। क्या कहेंगे जो आपके साथ जो सहयोग कर रहे हैं, जो लोग जिनको आपने राशन पहुँचाया है वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को किस तरह से आप जो है आश्वासन देंगे, अभी जो लोगों तक आप नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जो लोगों तक हम नहीं पहुँच पाए हम इंशाल्लाह उन लोगों तक भी पहुँचेंगे, फिर उसमें पूरी कोशिश होगी क्योंकि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, 1 का 70 मिलेगा और देने वाले लोग जरूर देंगे, ताकि हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग उन गरीब और मुस्तहिक तक पहुँचाएं। करीम भाई एक बात और है कि आप जो है जो राशन बांट रहे हैं ये चेहरे पहचान कर दे रहे हैं क्या कि कौन से अपने हैं कौन से पराए हैं? ऐसा आपको कहीं लगता है कि चेहरे देख करके? अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं चेहरे पहचान के, जो कर रहा है वो करे, मैं तो आखिरत के लिए कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं तो जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ फिरोज भाई, कि मैं अपने वोटरों को देख करके राशन दूँ या खाना दूँ, मैं तो जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ ना, मैं क्यों जी किसी का चेहरा पहचानने जाऊँ? क्या कुछ लालच है? आज जो वक्त चला है आज तो लोग मास्क लगाए हुए, आज लोग किसका चेहरा कहाँ से देखेंगे? आज तो लोग मास्क लगा करके चल रहे, लोग चेहरा कहाँ से किसी का देखेंगे? चेहरा किसी का दिखता ही नहीं है, चेहरा देखने की जरूरत क्या है, कहाँ से कौन किसका चेहरा देखेगा? नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि जो है जैसे कि कोई 2-4 किलो लेकर जाता है और फोटो खिंचा लेता है और वो वाहवाही करने के लिए, तो आप वाहवाही वाले लोग नहीं है ना? मैं फिर आपसे पूछूंगा, ऐसा आपको लगता है कि मैं वाहवाही वाला हूँ या हमारी संगठन वाहवाही वाली है? हमको जो भी अजर चाहिए, हम लोग रात में 12 बजे तक का काम करते हैं इस महामारी में। मतलब आप जब राशन देते हो तो ये नहीं मतलब देखते हो, चेहरे पहचान कर नहीं देते हो? फिर बोलूंगा कि महामारी का जमाना है, लोगों के चेहरे तो बंद है, चेहरे दिखेंगे कहाँ से? जो आदमी पहचाने चेहरा, चेहरा दिखता ही नहीं है कहीं से कि इंसान चेहरा पहचाने किसी का। लेकिन एक बात ये है कि अगर ये जो नगर सेवक जो जीत कर आए, अगर ये नगर सेवक अपने अपने वार्डों में ध्यान देते तो कितना अच्छा होता, शायद आपका बोझ हल्का होता। जी कहीं ना कहीं हमारे ऐसे जो छोटे मोटे जो NGO काम कर रहे हैं, बेचारा शब्बीर भाई वो छेड़े पे काम कर रहा है, ये छेड़े पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर ये लोग साथ देते मतलब बराबर साना बसाना अगर कंधा से कंधा मिलाते तो कहीं ना कहीं हमारे बोझे हल्के होते, और लोग जो आज भी हम लोग पूरे तरह हम लोग पूरी ये गारंटी नहीं ले सकते अभी भी मदद के लिए लोग कि हम सब तरफ पहुंच चुके हैं। आज भी बहुत बड़ा एक तबका हमारे इतनी मेहनत करने के बाद, हमारे खिलाने के बाद, हमारे बांटने के बाद, फिर भी एक बहुत बड़ा तबका आज भी परेशान और मिस्कीन और भूखा है हमारे इसी वार्ड में। अगर ये सारे प्रतिनिधि हमारा साथ देते तो शायद हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते जो बेचारे हमसे बचे हुए, जो हमसे छूटे हुए।
यानी ये तो आने वाले चुनाव में जो है ये फैसला जनता करेगी उनके लिए, क्योंकि जो इस दौर में जो साथ दे रहा है लोग उसी का साथ देंगे, ये उन्हें भी सोचना चाहिए। तो आपने सुना करीम खान साहब का ये जो है उन्होंने जिस तरह से बताया है, करीम खान साहब पिछले एक महीने से लॉकडाउन के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर वो लोगों तक पहुँच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, और उसके बाद जो है जो लोगों की परेशानी है राशन, यहाँ तक खाने की तीन तीन किचन खोल कर रखे हैं और वहाँ से खाने बांटे जाते हैं। बहरहाल सरकार भी जो है जिस तरह से 5 किलो चावल दे रही है, जो जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को 5 किलो चावल दे रही है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो तो परेशान है ही, लेकिन इस बीच एक ऐसा मुसाफिर कह सकते हैं हम इनको, करीम खान को, कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस के कहर के बीच अपने टीम को लेकर उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते उत्तर भारतीयों को, सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही नहीं, इनका मकसद है कि सभी जो इस महामारी में फंसे हुए हैं, जो इस महामारी में जो भूखे प्यासे हैं उन तक खाना पहुंचाने की, तो बहरहाल इनकी सोच को सलाम, वाकई में जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।